मैत्रेय एमपी इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं प्रदेश की वो 10 बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। उज्जैन में तेज आंधी चली, महाकाल लोक में सप्तऋषि की 7 में से 6 मूर्तियां गिरकर खंडित हो गई। हादसे के बाद महाकाल लोक बंद कर दिया गया है। गुना और रतलाम में तेज हवा के साथ बारिश हुई, ओले भी गिरे। ये वीडियो एमपी कांग्रेस ने चीतों की मौत पर जारी किया है। वहीं खूनों में चीतों की सलामती के लिए लोग मंदिर में पूजा हवन कर रहे हैं। कराहल में महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जा रहा है। नेशनल पार्क में पिछले 2 महीने में 6 चीतों की मौत हो चुकी है। अनूपपुर में कोयले की खदान धंसने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। रामनगर थाना इलाके में ये कोयला खदान बंद कर दी गई थी। वहीं मंदसौर भावगढ़ रोड पर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 3 महिला यात्रियों की मौत हो गई। 20 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बस भोपाल से नीमच जा रही थी। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में मेयर कलेक्टर खुद झाड़ू लेकर सड़क पर उतरे। गौरव दिवस पर सफाई कर्मियों के साथ नेताओं अधिकारियों ने स्वच्छता अभियान चलाया है। इसके बाद कलेक्टर ने सफाई मित्रों के साथ नाश्ता भी किया। पन्ना में एक युवक ने अपने 2 चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। दादी की हालत भी गंभीर है। विवाद जमीन को लेकर हुआ था। बर्थडे पार्टी के बाद विवाद हुआ और भतीजे ने फायरिंग शुरू कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देश के नए संसद भवन को लेकर सियासत जारी है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट कर नए संसद भवन की तुलना ताबूत से की है। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। शिवराज ने ट्वीट कर लिखा कि कुछ लोगों की आंखों में बंधी पट्टी उन्हें वो सच्चाई नहीं देखने दे रही है। सागर की सब्जी मंडी में टमाटर की कैरेट से नागिन बाहर निकली। नागिन को देख मजदूर भाग गए। स्नेक कैचर ने रेस्क्यू कर नागिन को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि नागिन कोबरा प्रजाति की है। अगर डस ले तो 3 से 4 मिनट में मौत हो सकती है। पन्ना जिले की विश्रामगंज रेंज में हीरे का अवैध उत्खनन रोकने पर माफिया ने हमला कर दिया। घटना में एक फॉरेस्ट गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। नर्मदापुरम जिले में किरतपुर के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक तेंदुए की मौत हो गई। सूचना पर सतपुरा टाइगर रिजर्व और फॉरेस्ट टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। तेंदुआ की मौत की जांच के लिए सैंपल लैब भेजे जाएंगे। एमपी में पल्स पोलियो अभियान में इस बार एम्बुलेंस सर्विस जोड़ी गई है। प्रदेश के 16 जिलों में पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ है। पोलियो बूथ तक जाने में असमर्थ लोगों को 108 पर कॉल करने पर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। एमपी की 10 बड़ी खबरें लेकर हम कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।